बहुत ही सुहाना मौसम, और सामने आप देख रहे हैं केदार मंदिर दोस्तों, जो कि खुद पांडवों ने बनाया था। जब दोस्तों भगवान शिव बद्री में रहते थे, बद्री नारायण, जो बद्री विशाल जिस स्थान का नाम है दोस्तों, वहीं पर भगवान शंकर जी वास करते थे। लेकिन जब नारायण ने भगवान शंकर से बद्री का जो आश्रम को मांग लिया था, और उसके बाद भगवान शंकर और पार्वती बद्री को छोड़ के यहाँ केदार घाटी में आ गए थे दोस्तों, और जब पांडव अज्ञातवास के दौरान भारत भ्रमण पर निकले हुए थे, उसी दौरान पांडव अपने पश्चाताप के लिए यहाँ इसी घाटी में पहुँचे, और उन्होंने यहाँ भगवान शिव की आराधना के लिए उनको ढूंढना चाहा, लेकिन भगवान शंकर जो है पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे, और वो वहाँ से बैल का रूप बनाकर भागने लगे। तो तब पांडव ने उनको बैल रूप में पहचान लिया, और भीम ने जब उस बैल को पीछे से पकड़ा दोस्तों, तो बाबा चमत्कार रूप में ज़मीन के अंदर समा गए थे, और तभी जो बैल का पिछला हिस्सा जो ज़मीन से बाहर रह गया था, उसी को दोस्तों हम आज केदारनाथ जी धाम के रूप में पूजते हैं। ये खुद भगवान शंकर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यहाँ शंकर जी खुद विराजमान हुए हैं, खुद अपने आप से यहाँ स्थान बना है भोलेनाथ का। और दोस्तों जब पांडव को दर्शन नहीं हो पाए और भगवान शंकर ज़मीन में चले गए, तो उनका आधा हिस्सा, उनका जो मुंह वाला हिस्सा होता है दोस्तों, वो पशुपतिनाथ में निकला, और अभी जो पिछला हिस्सा है वो केदारनाथ जी में रह गया। तो उसी का हम आज पूजन करते हैं केदारनाथ जी के रूप में। बहुत ही चेतन ये धाम है दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाबा केदार।